India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं कोर्ट साउंड अप और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में हम अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट्स की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मानहानि मामले में कोर्ट ने पत्रकार प्रिया रमानी को किया बरी। प्रिया रमानी ने एमजी अकबर पर यौन उत्पीड़न का लगाया था आरोप। कोर्ट ने कहा प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति भी यौन उत्पीड़न करने वाला हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी उमर खालिद, शर्जील इमाम और बाकी आरोपियों को राहत नहीं। दिल्ली कोर्ट ने आरोपियों की न्यायिक हिरासत 1 मार्च तक बढ़ाई। चांदनी चौक के हनुमान मंदिर तोड़ने मामले के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने वैकल्पिक स्थल के अनुदान के लिए प्रतिनिधित्व देने की दी इजाजत। राजदीप सरदेसाई के खिलाफ स्वतंत्रता संज्ञान लेकर अवमानना का कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में दर्ज। कोर्ट वेबसाइट पर दिखाई गलती की गई ठीक। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंडअप। दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजी अकबर के महिला पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में फैसला सुनाते हुए प्रिया रमानी को बरी कर दिया है। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडे ने दोनों पक्षों की मौजूदगी में एक ओपन कोर्ट में यह फैसला सुनाया। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यौन उत्पीड़न आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। कोर्ट ने कहा कि भले ही अकबर प्रतिष्ठा का व्यक्ति है और यौन उत्पीड़न में ऐसे भी लोग शामिल हो सकते हैं और ऐसे में महिलाओं को दशकों के बाद भी अपनी शिकायत रखने का अधिकार है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद 1 फरवरी को अपना फैसला रख लिया था। आपको बता दें कि पत्रकार प्रिया रमानी ने एमजे अकबर के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। एमजे अकबर ने प्रिया रमानी के खिलाफ ये कहते हुए आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था कि प्रिया रमानी ने मी टू कैंपेन के दौरान किए गए ट्वीट से उनकी मानहानि हुई है। दिल्ली की एक अदालत से पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर को तगड़ा झटका लगा है। मानहानि मामले में कोर्ट ने पत्रकार प्रिया रमानी को बरी कर दिया है। अकबर की याचिका खारिज हो गई है। कोर्ट ने कहा है कि सालों बाद भी महिला आवाज उठा सकती है और ये उसका हक है। प्रिया रमानी के खिलाफ दाखिल किया था, उसमें आज वर्डिक्ट आ गया है और जज साहब ने वो मुकदमा को खारिज किया है। प्रिया रमानी को अक्विट किया गया है और इस बेसिस पे उनको बरी किया गया है कि जो उन्होंने डिफेंस प्लीट किया था सच्चाई का, कि मैंने जो भी कहा था वो सच था, वो डिफेंस कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है और कोर्ट ने कहा है कि वो डिफेंस बिल्कुल सही है और वो प्रिया रमानी की जो बात जो उन्होंने आके कोर्ट में कही थी शपथ लेके, वो बात बिल्कुल ठीक है और उनको कोई शक नहीं है कि वो झूठ कि वो सच बोल रही है। That it was me, the victim, who had to stand up in court as the accused. I thank everyone who stood by me, especially my two witnesses, Ghazala Wahab and Nilofa Venkatraman, who came to court and testified on my behalf. I thank the court for this verdict. I thank my lawyers, Rebecca John and our amazing team, who believed in me and in the wider cause. कोर्ट ने कहा भले ही अकबर प्रतिष्ठा के व्यक्ति हैं, फिर भी व्यक्ति यौन उत्पीड़न करने वाला हो सकता है। महिलाओं को दशकों के बाद भी अपनी शिकायत रखने का अधिकार है। कोर्ट ने कार्यस्थल पर व्यवस्थित दुरुपयोग पर भी ध्यान दिया। उच्चतम न्यायालय द्वारा 1997 में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर विशाखा दिशा निर्देश घटना के समय प्रभावी नहीं थे। समाज को यौन उत्पीड़न और उसके पीड़ितों पर उत्पीड़न के प्रभाव को समझना चाहिए।
इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजी अकबर ने अदालत से कहा था कि ट्विटर अकाउंट मिटाने को लेकर पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ एक और आपराधिक मामला बन सकता है। साथ ही अकबर की वकील ने दावा किया कि रमानी के इस ट्वीट अकाउंट में प्राथमिक साक्ष्य थे। अकबर के वकील ने अदालत से कहा था कि रमानी ने अपने सभी ट्वीट के साथ अपना ट्विटर अकाउंट मिटा दिया है। उन्होंने न्याय में अवरोध डालने के लिए जानबूझकर ऐसा किया है। अकबर ने अदालत से कहा था कि उनकी प्रतिष्ठा को पत्रकार प्रिया रमानी द्वारा ठेस पहुंचाई गई। रमानी ने दशकों पूर्व हुए कथित यौन दुर्व्यवहार को लेकर सबसे पहले उन पर आरोप लगाकर दूसरों को उकसाया। अकबर रमानी की उस दलील पर जवाब दे रहे थे कि वो अकेली नहीं है, बल्कि कई महिला पत्रकारों ने उन पर यौन दुराचार का आरोप लगाया, लेकिन उन्होंने सिर्फ उनके विरुद्ध ही मानहानि की शिकायत दर्ज कराई। रमानी ने अकबर के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, जिसे लेकर अकबर ने उनके खिलाफ 15 अक्टूबर 2018 को शिकायत दायर की थी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार ने अकबर और रमानी के वकीलों की दलीलें पूरी होने के बाद 1 फरवरी को अपना फैसला 10 फरवरी के लिए सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने 10 फरवरी को फैसला 17 फरवरी के लिए ये कहते हुए टाल दिया था क्योंकि दोनों ही पक्षों ने विलंब से अपनी लिखित दलील सौंपी है, इसलिए फैसला पूरी तरह से नहीं लिखा जा सका है। रमानी ने 2018 में सोशल मीडिया पर चली मीटू मुहिम के तहत अकबर के खिलाफ यौन दुर्व्यवहार के आरोप लगाए थे, हालांकि अकबर ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। अकबर ने 17 अक्टूबर 2018 को केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो प्रिया रमानी को कोर्ट ने बरी कर दिया। और ज्यादा जानकारी देने के लिए सीधे रुख करते अपने संवाददाता अनन्य का। अनन्य, जानना चाहेंगे मानहानि मामले में प्रिया रमानी को बरी करते हुए कोर्ट ने क्या कुछ कहा। जी हाँ, आज कोर्ट की तरफ से काफी सारे ऑब्जर्वेशन आए, जिसमें सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन कोर्ट की तरफ से ये आया कि कोई महिला या कोई भी विमेन जो विक्टिम है सेक्सुअल असॉल्ट की, वो चाहे कितने भी सालों बाद अपना मुकदमा दायर करे, क्योंकि सेक्सुअल असॉल्ट के मामलों में ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जो विक्टिम है वो उस स्टेट में नहीं होती है कि एकदम से कंप्लेंट फाइल कर सके, तो चाहे कितनी भी लेट कंप्लेंट आए, कोर्ट का ये कहना है कि वो हमेशा मान्य होगी और हमेशा मानी जाएगी। दूसरी तरफ कोर्ट का ये भी कहना है कि एक ऐसा देश जहां पे महाभारत और रामायण जैसे कथ्य लिखे गए हैं जो कि विमेन एम्पावरमेंट के बारे में है, विमेन की डिग्निटी को सेव करने के बारे में है, वहां पे क्राइम अगेंस्ट वुमेन की ये इतना ज्यादा रेट है, ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है और इस पर कुछ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका आनंद है तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी उमर खालिद, शर्जील इमाम और बाकी आरोपियों को भी राहत नहीं मिली है। दरअसल आपको बता दें कि जिन आरोपियों पर UAPA के तहत केस दर्ज हुआ था, उनमें दिल्ली कोर्ट ने आरोपियों की हिरासत, जी हां, न्यायिक हिरासत 1 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है और इन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट में कड़े गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम और आपराधिक साजिश, हत्या, दंगा, राजद्रोह, गैर कानूनी तरीके से भीड़ एकत्रित करने से संबंधित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराएं जोड़ी गई है। इन पर धर्म, भाषा और जाति के आधार पर लोगों के बीच बैर बढ़ाने का भी आरोप लगा हुआ है। 9 जनवरी को हुई सुनवाई में कई आरोपियों ने अदालत के सामने दावा किया था कि आदेश के बावजूद जेल में उन्हें चार्जशीट तक का पहुंच नहीं दी गई है और ऐसे में वहीं कुछ आरोपियों ने दावा किया था कि चार्जशीट पढ़ने के लिए उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया गया। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम समेत अन्य की न्यायिक की हिरासत 1 मार्च तक बढ़ा दी गई है। ये सभी आरोपी आतंकवाद विरोधक कानून यानी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम या UAPA के प्रावधानों के तहत जेल में बंद हैं। इससे पहले भी CAA को लेकर दिल्ली में दंगों की साजिश रचने के मुख्य आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की रिमांड अदालत बढ़ा चुकी है। दोनों आरोपी JNU के पूर्व छात्र रह चुके हैं। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए तत्कालीन विरोध प्रदर्शन के दौरान 24 फरवरी 2020 को दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। दिल्ली को दहलाने वाले इन दंगाइयों ने कानून तोड़ने की सारी हदें पार कर दी थी, जिसके बाद 50 से ज्यादा लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। वहीं करीब 200 लोग बुरी तरह घायल हो गए थे। पिछले साल सितंबर में पिंजरा तोड़ की सदस्य और JNU की छात्रा देवांगना कलिता और नताशा नरवाल जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा और छात्र कार्यकर्ता गुलफिशा फातिमा के खिलाफ मुख्य आरोप पत्र दायर किया गया है। चार्जशीट में शामिल अन्य लोगों में पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की सदस्य सफूरा जरगर, मिरान हैदर और शिफा उर रहमान, आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन, कार्यकर्ता खालिद सैफी,
शादाब अहमद, तस्लीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान और अतहर खान शामिल हैं। इसके अलावा जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और जेएनयू के ही छात्र शर्जील इमाम के खिलाफ फरवरी में पूर्वोत्तर दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा में कथित रूप से बड़ी साजिश से संबंधित एक मामले में नवंबर में एक पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था। एफआईआर में यूएपीए की धारा 13, 16, 17, 18 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 को और लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 और 4 सहित कड़े आरोप शामिल हैं। आरोपी व्यक्तियों पर भारतीय दंड संहिता 1860 के विभिन्न अपराधों के तहत भी आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में एफआईआर 59A की सुनवाई पर रोक लगा दी थी। दिल्ली पुलिस ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें पुलिस को आरोपी व्यक्तियों को चार्जशीट की हार्ड कॉपी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की एकल न्यायाधीश की पीठ ने एफआईआर 59A की सुनवाई पर रोक लगा दी थी। एफआईआर में नामजद 18 आरोपियों में से सफूरा जरगर और फैजान खान फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। हालांकि अन्य आरोपी व्यक्ति अभी भी हिरासत में हैं। सभी आरोपियों की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई 1 मार्च 2021 को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। चांदनी चौक के हनुमान मंदिर तोड़ने के मामले में उसके बता दें कि इस मामले के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया गया है। इसमें दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी और हनुमान मंदिर को फिर से स्थापित करने का आदेश मांगा था। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समुदाय की जरूरतों और हितों को देखना होगा। अदालत ने वैकल्पिक स्थल के अनुदान के लिए प्रतिनिधित्व देने की इजाजत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के चांदनी चौक में 3 जनवरी को दशकों पुराने हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने एक वैकल्पिक स्थल के अनुदान के लिए प्रतिनिधित्व देने की स्वतंत्रता के साथ ही याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एम आर शाह की पीठ दिल्ली के चांदनी चौक से हनुमान मंदिर को हटाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। जितेंद्र सिंह विशेन की याचिका में सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार और उत्तरी दिल्ली नगर निगम को हनुमान मंदिर को फिर से स्थापित करने का आदेश मांगा था। इसके साथ ही ये दावा किया गया था कि चांदनी चौक का सौंदर्यकरण तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि दिल्ली सरकार और उत्तरी दिल्ली नगर निगम उसी स्थान पर हनुमान मंदिर को दोबारा स्थापित नहीं कर देते हैं। याचिका में ये भी कहा गया कि मंदिर को हटाने का काम कानून के अनुसार प्रक्रिया बिना पालन किए किया गया था जिसने भक्तों के पूजा के अधिकार का उल्लंघन किया। ये मंदिर 5 दशकों से चांदनी चौक में है और बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पूजा के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ कभी कोई समस्या नहीं हुई। चूंकि याचिकाकर्ता इस सुझाव से सहमत था इसीलिए पीठ ने SLP को वापस लेने पर खारिज कर दिया। पीठ ने हालांकि मंदिर के एक वैकल्पिक स्थल के आवंटन के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष एक प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जो कि उस क्षेत्र से दूर हो और जहां यातायात या पैदल चलने वालों की आवाजाही के लिए कोई खतरा नहीं हो। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नवंबर 2019 में मंदिर को हटाने का आदेश दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की धार्मिक समिति के फैसले को पलट दिया था जिसने पूर्ण विकास योजना में हनुमान मंदिर और शिव मंदिर के एकीकरण का सुझाव दिया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को मंदिरों को हटाने के लिए यू टर्न के लिए फटकार लगाई जिसमें संकेत दिया गया था कि अदालत ने 2015 में उत्तरी दिल्ली नगर निगम को स्वयं निर्देश दिया था कि वो अतिक्रमण हटाए जिसमें मंदिर भी शामिल है जो चांदनी चौक पूर्ण विकास परियोजना प्रगति को रोकता है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 जुलाई 2020 के आदेश में उस याचिका का निपटारा किया था जिसमें दिल्ली सरकार ने SLP में 14 नवंबर 2019 के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने पर बयान दिया था कि वो आगे के निर्देशों के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक उपयुक्त आवेदन लेगी जैसे कि जरूरी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। राजद्रोह कानून के आरोपित एक मजदूर को दिल्ली के कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि राजद्रोह कानून राज्य के हाथों में एक शक्तिशाली उपकरण है, इसका गलत इस्तेमाल न किया जाए। कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने पोस्ट नहीं लिखा था, उसने बस उस पोस्ट को फॉरवर्ड किया था। दिल्ली कोर्ट ने एक 21 वर्षीय मजदूर को जमानत दी।
जिसे किसान विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी से संबंधित अपने फेसबुक पेज पर एक फर्जी वीडियो पोस्ट करने पर राजद्रोह और जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने आरोपी को ये देखते हुए जमानत दी कि आरोपी ने वो पोस्ट नहीं लिखी थी, उसने बस उस पोस्ट को फॉरवर्ड किया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी ने अपने फेसबुक पेज पर एक फर्जी वीडियो पोस्ट किया था जिसमें टैगलाइन थी कि दिल्ली पुलिस ने बगावत, 200 पुलिस कर्मियों ने दिया सामूहिक इस्तीफा। हालांकि पोस्ट किया गया वीडियो एक ऐसी घटना से संबंधित था जिसमें दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने प्रदर्शन स्थल पर पुलिस कर्मियों को बीफ कर रहे हैं और साथ ही उन्हें स्थिति से निपटने के लिए प्रोत्साहित करते हुए नजर आ रहे हैं। राज्य के लिए अपील करने वाले एपीपी ने तर्क दिया कि फेसबुक पर आरोपी द्वारा बनाई गई सनसनी पोस्ट राज्य के खिलाफ असंतोष फैलाने के इरादे से की गई थी और इसलिए उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए। आरोपी के खिलाफ एपीपी द्वारा प्रस्तुत एक और सबमिशन फर्जीवाड़े के आरोप के संबंध में था। राज्य के अनुसार अभियुक्त ने एक फर्जी संदेश के साथ एक फेसबुक पेज बनाया जो कि धारा 464 खंड प्रथम बी के तहत प्रदान किया गया एक गलत दस्तावेज है। कोर्टरूम में वीडियो देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि आवेदक ने उस पोस्ट को नहीं लिखा था, उसने बस पोस्ट को फॉरवर्ड किया था। राजद्रोह के कानून पर टिप्पणी करते हुए न्यायालय ने अवलोकन में कहा कि समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजद्रोह का कानून राज्य के हाथों में एक शक्तिशाली उपकरण है। हालांकि इसका उपयोग उपद्रवियों को शांत करने के बहाने के तहत आशंकाओं को दूर करने के लिए नहीं किया जा सकता। हिंसा का सहारा लेकर सार्वजनिक शांति की अव्यवस्था या अशांति पैदा करने की प्रवृत्ति है। हिंसा या किसी भी तरह के भ्रम या तिरस्कारपूर्ण टिप्पणी या किसी भी संकेत के लिए सार्वजनिक शांति में गड़बड़ी या गड़बड़ी पैदा करने के लिए किसी को भी उकसाना, भड़काना या अस्थिरता की स्थिति में इस कानून को लागू किया जाता है। इसके मद्देनजर न्यायालय ने अभियुक्त को 50,000 रुपए की जमानती बॉन्ड भरने और इतनी ही राशि का जमानदार पेश करने की शर्त पर जमानत दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएल। वही सुप्रीम कोर्ट ने सलवास खिलाकर दो बच्चों की हत्या के दोषी व्यक्ति को जीवन की अंतिम सांस तक के लिए उम्र कैद की सजा की पुष्टि की है। गौरीशंकर को 4 वर्ष और 2 वर्ष की उम्र के 2 नाबालिग बच्चों को सलवास खिलाकर निर्मम हत्या करने का दोषी पाया गया था। ट्रायल कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया था और 1 जुलाई 2013 को एक आदेश जारी करते हुए उसे प्राकृतिक जीवन की अंतिम सांस तक के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई थी और 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। हाईकोर्ट ने उसकी अपील खारिज कर दी थी। शीर्ष अदालत के समक्ष अभियुक्त की दलील दी थी कि उसे शेष जीवन तक अंतिम क्षण तक के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है जो ट्रायल कोर्ट के न्यायिक अधिकार क्षेत्र के बाहर है और इसका निर्धारण केवल हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही किया जा सकता है। उसने भारत सरकार बनाम वी श्री हरण उर्फ मुरुगन एवं अन्य मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा जताया था। वहीं श्री हरण मामले में यह व्यवस्था दी गई थी कि मृत्युदंड के विकल्प के तौर पर किसी भी विशिष्ट अवधि के लिए अथवा दोषी के जीवन के अंतिम क्षण तक के लिए संशोधित सजा प्रदान करने का शक्ति भी इस्तेमाल केवल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही की जा सकती है। पत्रकार राजदेव सरदेसाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना का कोई भी मामला दर्ज नहीं किया है। आपको बता दें कि सर्वोच्च अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि कोर्ट ने कहा है कि पत्रकार राजदीप के खिलाफ उनके ट्वीट को लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना का कोई मामला दर्ज नहीं किया है। कोर्ट की वेबसाइट पर इस संबंध में जो भी स्थिति दिखाई गई थी वह गलत थी और जिसे ठीक कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के उप रजिस्ट्रार जनसंपर्क राकेश शर्मा ने ये बात बताई है। उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा राजदीप सरदेसाई के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू किए जाने संबंधी कुछ समाचार चैनलों में खबरें चलाई गई थी। खबरों के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि राजदीप सरदेसाई के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। शर्मा ने कहा कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मामले के संबंध में दिखाई गई स्थिति त्रुटिवश नजर आ रही है, इसे ठीक करने की जरूरत है और इसको ठीक करने के लिए उचित कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के आधार पर सरदेसाई के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना मामले के संबंध में मीडिया में खबरें आई थी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से अतिरिक्त लोक अभियोजकों या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए 73 पदों को बनाने के लिए एक याचिका पर प्रतिक्रिया मांगी। आपको बता दें कि जो फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों में ट्रायल करने के उद्देश्य के लिए है, बताया भी जाता है कि जो बच्चों की यौन अपराध पॉस्को और बलात्कार से संबंधित है, मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने लोक अभियोजक वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया और अब मामले को 24 मार्च को आगे की कार्रवाई के लिए रखा गया है। याचिका में कहा गया है कि वर्तमान में दिल्ली की 53 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट है जो बलात्कार के मामलों के परीक्षण और पॉस्को अधिनियम के मामलों के लिए काम करते हैं। हालांकि केवल 37 अतिरिक्त सार्वजनिक अभियोजन और इन फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों में तैनात है। याचिका में आगे कहा गया कि अतिरिक्त सार्वजनिक अभियोजकों की कमी से आपराधिक न्याय प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और संवेदनशील मामलों के परीक्षण के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्थापित करने का पूरा उद्देश्य इस तरह की कमी से प्रभावित हो रहा है। मद्रास हाईकोर्ट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता जो भी अभियुक्त हैं उसे 1,00,000 रुपए का मुआवजा दें। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के स्पीडी ट्रायल के अधिकार का उल्लंघन हुआ है और मैं इस सच्चाई से अपना हाथ पीछे नहीं खींच सकता। कोर्ट एम अनंथन की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसे एनडीपीएस अधिनियम के तहत निषिद्ध पदार्थ रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। न्यायमूर्ति जी आर स्वामीनाथन की एकल पीठ ने अभियोजन पक्ष की सुनवाई के लिए अभियोजन पक्ष यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया। आपको बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता को 1,00,000 रुपए का मुआवजा दे और कोर्ट एम अनंथन की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसे एनडीपीएस अधिनियम के तहत निषाद पदार्थ खिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंड अप।